ओ भाई साहब, खारदुंगला पहुंच गए, पता ही नहीं चला यार। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेह लद्दाख। 11वां दिन है आज और आज हम लोग जा रहे हैं खारदुंगला दिस्कित। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, बहुत लेट हो गए हम लोग, एक्चुअली 9 बज गए यार और अभी हमको निकलना है। रिजवान क्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, ये मेरी गाड़ी, तो यहाँ पर मेरा होटल है आगे, एनलाइटन गेस्ट हाउस, वो लास्ट में जो गेट दिख रहा है ना, अंकल का दुकान है। तो कभी भी आपको कुछ चाहिए तो आप अंकल के यहाँ से ले सकते हैं। तो जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई और आज का डिस्टेंस सिर्फ 100 किलोमीटर है। यहाँ पे जो है हमारा परमिट चेक होता है, ये खारदुंगला जाने का लाय रोड है। यहाँ पे हमारी बाइक से पार्क्ड, वहाँ पे बंदा अपना डांस कर रहा है, संतोष भाई। ये नया कोई शायद पेट्रोल पंप बनने का स्टार्ट हुआ है, जो मेरी गाड़ी पार्क्ड है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी जो लद्दाख का एरिया है, जैसे हम लोग खारदुंगला जाते थे, कोई भी जगह जाते थे, वहाँ के परमिट का सीन जो है वो भी बंद हो गया है, लेकिन ये ऑनलाइन हो गया है। अभी ग्रीन टैक्स करके कुछ होता है, उसको पे करना पड़ता है। वैसे पहले हम लोग परमिट निकालते थे, अभी ग्रीन टैक्स होता है। 400 रुपया अराउंड पर बाइक है सर। ये कुछ लगा? हाँ, ये हमारे संतोष भाई। संतोष भाई, भाई एक चीज़ मैं बताता हूँ, 3000 किलोमीटर होने को आ रहे, कमाल के राइडर है, कमाल के राइडर। थैंक यू सर। एंड सर 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 भाई, तांगलांगला में एक ही बंदा था जो थे, रिलैक्स गाइस, रिलैक्स, जस्ट चिल, यू नो, चिल। क्या बात है, गोप्रो फ्रीज तो नहीं हो रहा आज? नहीं, आज फ्रीज नहीं हो रहा, अभी तक तो फ्रीज नहीं हो रहा। हाँ, मुझे लग रहा है जब हम चोटी पे जाएंगे, हाँ, चोटी में होगी। बट हमारा फायदा मालूम है क्या है, अभी सिर्फ 11 बजे तो मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। मतलब आई थिंक हम पहुंच जाएंगे 1:30 बजे तक, है ना? पहुंचने तो चाहिए, 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। और 1:30 बजे के आसपास होती है फुल धूप, और उसका फुल फायदा उठाने वाले हैं। अच्छा, कावा पीते हैं यार ऊपर? कावा पिएंगे, कावा एंड मैगी तो कंफर्म है। जो शूज है ये खुल गया है एक्चुअली, इसका सोल, और यहाँ पे 3 जिप टाई, यानी कि 6 जिप टाइज लगा है। और ये माइंड है सैम भाई का, ही इज अ स्मार्ट गाय, धड़ाधड़ लगा दिया यार, नाउ एटलीस्ट आई कैन वॉक विद दिस शूज। रही बात परमिट की, तो अभी फिलहाल यहाँ पे UPI पेमेंट करना है, और नेट का काफ़ी झोल रहता है इधर, तो मोस्टली नेट मिलता है नहीं मिलता है। और यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जेंट्स नहीं है जो आपसे परमिट वगैरह मांगेंगे, लेडीज़ को यहाँ पे खड़ा किया है एक्चुअली। इसका एक और जनरल नोट अगर मैं बताऊँ तो यार, उनको वहाँ पे स्टैंड करने का एक सिंपल रीज़न है। क्या होता है ना, लोग बंकस करते हैं, और बंकस करने के टाइम पे अगर आपके सामने लेडी हो तो आप थोड़ा कम बंकस करो। दिस इज ऑल्सो स्मार्ट माइंड। तो भाई, बड़ी कश्मोकश के बाद में हमारा परमिट जो है वो निकल गया है। जीतू भाई, बुलेट गुरु जी, उन्होंने वो परमिट निकाल लिया। अब हम निकलेंगे खारदुंगला, वहाँ से जाएंगे फोसअप। 11:30 हो गए हैं, टाइम थोड़ा गया, लेकिन इट्स ओके, वी न्यू इट यस्टरडे बट वी डिड नॉट डू इट। 2018 में जब मैं यहाँ पर आया था तो ये रोड था ही नहीं, और अभी देखो कैसा अच्छा मक्खन वाला रोड बना दिया है। वहाँ देखो, जूम करता हूँ मैं, फ्रॉग है, फ्रॉग एडवेंचर 390, क्या स्पॉट में खड़ा किया है। यहाँ से पूरा बैकग्राउंड व्यू है, ये अपनी गाड़ी पे फोटोशूट चालू। नसीब थोड़ा बहुत तो ऑफ रोडिंग बचा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा तो मज़ा आता है। यहाँ पर देखो एक गाड़ी है, उस पर लिखा है प्लीज़ ड्राइव केयरफुली। गाड़ी की हालत देख रहे हैं आप, पूरा मैच्ड अप गाड़ी है। तो ये बेसिकली टूरिस्ट लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि भाई यहाँ पर जब आते हो तो अपना सेफ्टी का ध्यान आपको रखना है। और ये एक बहुत ही अच्छा मुझे स्टाइल लगा उनका बताने का। केरला से कश्मीर का एक बाइक आया है भाई, ये कर रहा है कचरे का पूरा थैली लगाया है। वहाँ है साउथ कुल्लू, इधर खाली चेकिंग होगा और हम कल्टी मारेंगे, क्योंकि मैं पहली बार रुका हूँ मैं इधर, अदरवाइज मैं खारदुंगला ही रुकता हूँ। तो ये बातों में हम लोग खारदुंगला पहुँच गए, और ये रोड देखो कितनी अच्छी तरह से बनाया है, और कमर्शलाइज इसको करने की कोशिश की है,
तो एक इनिशिएटिव है लद्दाख की तरफ से कि भाई टूरिज्म को बढ़ाया जाए, इसको ज़्यादा एनहेंस किया जाए। वहाँ मैंने मेरी बाइक पार्क की है, काफ़ी राइडर्स आए हैं इस बार एंड अभी तक मेरे दोस्त लोग तो आ ही रहे हैं, उनको तो टाइम लगेगा। और यह है वो बोर्ड, वेलकम टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड लद्दाख। यहाँ पर मैंने लिया है कावा और ये यहाँ पे 100 रुपये का मिलता है एक कावा। वहाँ पे मेरी बाइक पार्क है। हरदुंगला पे इतना पीसफुली मैं पहले कभी बैठा नहीं था, आज फर्स्ट टाइम बैठा हूँ। एक्चुअली जो हमारा ग्रुप है वो अभी भी आ रहा है, मैं अकेले ही आया हूँ ऊपर अभी तक, 10-15 मिनट तो मुझे हो गए, तो मैं उनका ही वेट कर रहा हूँ। अगर वो नहीं आएंगे तो मैं नीचे जाऊँगा, देखूँगा क्या है क्या सीन है, शायद वीडियो बनाते होंगे। वेरी वेरी हैप्पी हरदुंगला में आया हूँ, फील सो गुड। अभी कावा पीऊँगा मस्त। क्या बात है, ये मेरी बाइक पार्क, यहाँ पर अजिंक्य भाई की पार्क। हमने कभी सोचा नहीं था ना अजिंक्य भाई, क्या दोनों साथ में आएंगे, दोनों साथ में आएंगे कभी सोचा भी नहीं था ये चीज। बुलेट गुरु भी आ गया है, रेविटअप भी आ गया है। यहाँ देख रहे हो हरदुंगला पे पड़ी है स्नो, वो भी हल्की फुल्की, और यहाँ पे है सब लोगों का स्टिकर्स। तो दोस्तों यहाँ पे GS Caltex का जो है स्टिकर जो है हम लगाने वाले हैं। आप देखिए हमको एक अच्छी स्पेस जो है मिला हुआ है, तो ये देखिए लुब्रिकेट एंड ये खरदुंगला टॉप पे जो है अब GS Caltex दिखाई देगा। से अपन नीचे आ गए हैं, सारा ग्रुप आ गया, तो एक दो जन दूसरा डिजीनेस भी हो गया है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो फर्स्ट टाइम मेरे लिए एक रिकॉर्ड है कि 52 मिनट्स मैं खरदुंगला पे था। सही है ना तू? सो अभी मैगी बोला है। अच्छा भाई लोग आप लोग क्या खाओगे यार? मैगी बोला है, 3 मैगी। आप लोग मैगी खाएंगे ना? मैगी खाएंगे, आप क्या खाएंगे सर? आगे जाते जाते मैंने और अजिंक्य भाई ने ऑफ रोडिंग में जो धमाल किए ना बॉस, बहुत मज़ा आया था, बहुत ही ज़्यादा। और इसी बहाने मुझे 390 एडवेंचर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। इनफैक्ट डोमिनार तो मुझे मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बट दोनों ही गाड़ी एक्सेलेंट है जब मैं ये ऑफ रोडिंग में था। यहाँ पे संतोष भाई और अपने रेविटअप दोनों ने जो फोटोग्राफी की है ना बॉस, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा वो देखने के लिए। ये देखो भाई नुब्रा वैली का अमेजिंग व्यू, वहाँ पे सियाचिन का कुछ पहाड़ वगैरह है, वहाँ पे हमारे जवान बैठे हैं, ऐसा अपने को अजिंक्य भाई बोल रहे थे। गाइस दिस्किट जो है ये लद्दाख का सबसे बड़ा जेम है, बहुत ब्यूटीफुल एरिया है गाइस, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। यहाँ पर ज़रूर आना जब आप लद्दाख की ट्रिप की प्लानिंग करोगे। ये है हमारा रूम दिस्किट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बेड्स। वॉशरूम बहुत ही क्लीन। वहाँ के होटल का जो सजेशन है वो अरुण भाई और राहुल भाई का था, जो CBR और जावा लेके आए थे, और हम लोग को जिस्पा में मिले थे, जिस्पा के टेंट में, तो वहाँ पर मिले थे और वहाँ से फ्रेंडशिप हुआ और वहाँ से फिर हम लोग को वो लोकेशन भेजे इस टाइम पे। बहुत अच्छा होटल है। इवन जो लद्दाख में भी हम लोग जो होटल में रुके थे लेह में, वो भी उन लोगों का ही सजेशन था। तो रूम इज़ रियली नाइस।